लंदन से खातून का खत है, वो पाकिस्तान में कहती हैं जब मैं होती थी तो वहाँ बाज़ औक़ात औरतें औरतों से बात चलती थी, वो कहा करती थी कि औरतें इसलिए मस्जिद नहीं जाती कि वो नापाक होती हैं। मैं उन्हें समझाती थी कि नमाजें पढ़ती हैं, रोज़ा रखती हैं, नापाक कैसे हो गई, नापाक कैसे हो गई, इस वजह से कि हत्ता के नबी ने नबी को भी औरत ने ही जन्म दिया है, ठीक है, तो ये औरत का मकाम है। वो कहते हैं कि इस पर हुज़ूर तफ़सील से रोशनी डालें, रोशनी औरतें नापाक हों तो फिर जन्नत नापाक लोगों के कदमों के नीचे है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है, तो ये हो सकता है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि नापाकों के कदमों से जन्नत मिले। बहुत पाक हैं, पाक लोगों को जन्म देने वाली हैं, ये तो जहराना बातें हैं लोगों की, ऐसी बातें करते हैं। बाज़ दिन ऐसे हैं जिनमें मस्जिद में जाना इसलिए मना है कि वो मजबूरियां हैं, उस वक्त हिफ्ज़ान सेहत के तकाजे ये हैं कि उन दिनों में एहतियात की जाए, बाकी नापाकी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान